देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, ये हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, और कई बार इसको क्वेश्चन को ना हम लोग बहुत लेंदी से सॉल्व करते हैं। कई बच्चे इसको क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्ट पुट करके देखेंगे। देखिए इसको अगर पुट करने चलेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। 27x³ - 58x² y + 31xy² 31, ठीक है। 31x² - 8y³। देखिए यहाँ माइनस पकड़ पे आ गया है, यहाँ माइनस का छोड़िए, यहाँ माइनस आ चुका है, ठीक है। इस जगह को आप मत देखिए, अभी इस जगह को आप मत देखिए, ये कोई फॉर्मेट में बैठ रहा है नहीं, लेकिन ये वाला फॉर्मेट में बैठ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, 3x³ माइनस हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है -2y³। मतलब पक्का ये किस फॉर्म में बैठ रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब में बैठ रहा है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3x, ठीक है। 3x - 2y का अगर क्यूब करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 27x³ - 8y³ - 3a² b। 3 3 9 9 3 27 2 54, ठीक है। यानी 54x² y, ठीक है। 54x² y + 3ab², ठीक है। 3 3 9 9 4 36 36xy², ठीक है। देखिए ये चीज़ यहाँ है, यहाँ पे ये भी है, ठीक है। यहाँ पे ये भी है, मतलब घट क्या रहा है, ये चीज़ हमको लाना है और ये चीज़ लाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 3x - 2y³। यहाँ पे ये है, हमको इस फॉर्म में लाना है। इस चीज़ को करेंगे तो ये आ रहा है, ठीक है। यानी कि और अगर हम यहाँ पर इसी इक्वेशन में 4x² y अगर हम जोड़ देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि काम प्लस का हो जाएगा, 58 आ जाएगा यहाँ पर, यही हमको चाहिए था। और यहाँ पर 36 लाना है, लेकिन यहाँ तो 31 है, हम मतलब कि हमको और माइनस करना पड़ेगा, कितना, 5 अगर माइनस कर देंगे इसमें, मतलब इस वाले पूरे पार्ट में अगर 5 माइनस कर देंगे, जो कि इसी का पार्ट है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 मतलब 5xy² हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू हमारा पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर 3x है, ठीक है। 3x - 15 - 2y - 2y, 7 2 14, माइनस माइनस प्लस 14, यानी कि अल्टीमेटली -1, ये हटा, यहाँ पे सिर्फ -1 बैठेगा, ठीक है। वैसे ही आगे हम लोग देखते हैं एक्स वाई, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई लेते हैं तो यहाँ पे -4, अच्छा माइनस भी चलिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 4x बचेगा, 4 - 5 - प्लस 5 होगा, यानी 7 5 - -7, तो 5 4 = 20 7 5 = 35 35, तो ये हो जाएगा हमारा 55, यानी यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस का 55। एक्स वाई लिखा हुआ 7 5 = 35 35, माइनस माइनस प्लस हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा 35 * 5, ये कितना होता है, 5 5 = 25 5 3 = 15 16 17 17, 5 11 को मल्टीपल है ना, 5 7 5 12 7 1 8 1 9, ठीक है, और 1 19 25, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा ऑलरेडी, ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस था, ठीक है, ये 35 हुआ, ठीक है, ये ला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस में हमारा वैल्यू आया, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस अभी बचा हुआ था, ये माइनस इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 19 24, ठीक है। थैंक्स।